तो हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और आज हमारा थर्ड लेक्चर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। और पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी और उस प्रॉपर्टी के बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज इस लेक्चर में भी हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं वो भी यहाँ पे यूज़ होंगे। तो मैंने यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का है। इन क्वेश्चन को देखो, पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। आपने इसे प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सभी क्वेश्चन में ऐसा ही है। सेकंड में देखिए, कोज इनवर्स 4/5 प्लस कोज इनवर्स 12/13 और आपने प्रूव करना है कोज इनवर्स 33/65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोज इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है और आपने प्रूव करना है साइन इनवर्स के इक्वल। और यहाँ पे फोर्थ है, टैन इनवर्स आपको गिवन, आपने प्रूव करना और किसके इक्वल है वो साइन इनवर्स के और प्लस कोज इनवर्स, कुछ एंगल्स हैं। लास्ट वन में है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 और प्रूव करना है इज इक्वल टू कोज इनवर्स 84/85। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक जैसा मेथड है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इकट्ठे लिख लिए। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब आपने क्वेश्चन को करना कैसे है, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन हम देखें तो 1, 2 और 3 तीन आपको इनवर्स फंक्शन गिवन है। एक साइन गिवन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, मतलब एंगल अलग अलग है और एक टैन है। आपने क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन में जब हम इनको अटेम्प्ट करेंगे, अगर तो आपको टैन गिवन है तब तो आपने साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, दोनों में, मतलब ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। अगर मान लो ये एक्स है और ये वाई है तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स और ये बन गया साइन इनवर्स वाई। तो आप साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ से आप साइन एक्स भी निकालेंगे और कॉस एक्स भी निकालेंगे, फिर साइन वाई और कॉस वाई भी निकालेंगे। कितनी होगी, 4 फंक्शन आ जाएंगे। वेरिएबल आपके 2 वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, हर में 2 वेरिएबल है, एक ये देखो। और ये जो वेरिएबल, इनको हम, ये जो एंगल है, मतलब ये वाले एंगल जो है, इन वेरिएबल्स को, मतलब ये वेरी कर रहे हैं, इनको हम एक्स वाई ले लेंगे। तो सभी क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपने 4 आपके पास फंक्शन फाइंड होंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, फिर साइन वाई, कॉस वाई। और अगर उस क्वेश्चन में टैन गिवन है तो आपने वहां से टैन एक्स और टैन वाई भी फाइंड कर लेना है, ठीक है जी, समझ गए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी और वो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें राइट हैंड साइड में क्या है, टैन है। तो आपको जो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी वो बनेगी टैन एक्स प्लस वाई की। अब कैसे, हम इस पहले वाली जो टर्म है इसे एक्स ले लेंगे, इसे क्या ले लेंगे वाई, और यहाँ फार्मूला आपको अप्लाई करना है टैन एक्स प्लस वाई। ओके, सेकंड में कुछ आइडिया कि कौन सा फार्मूला लगेगा, डिसाइड करेगा राइट हैंड साइड में आपने क्या प्रूव करना है। तो आपके पास क्या है, कोज इनवर्स, आपके पास फार्मूला लग गया कोज एक्स प्लस वाई। थर्ड में देखें, आपके पास यहां पे साइन है तो आपके पास फार्मूला लग गया साइन एक्स प्लस वाई। इसमें देखिए,
टेन इनवर्स है, इसके इक्वल प्रूव करना है, तो आपने क्या फार्मूला यूज करना है? और यहां पे यस कॉस एक्स माइनस वाई, इसलिए क्योंकि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, बाकी सब में पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव लिया। तो ये फार्मूला आपने यूज कर रहा है, समझ गया? अब आइडिया आ जाए, आपको आइडिया आ गया कि हमने जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने चार जो फंक्शन हमारे पास आएंगे, साइन एक्स कॉज एक्स और साइन वाई कॉज वाई, ठीक है, चार आएंगे। और अगर टैन है तो टैन का उनका टैन निकाल लेना। नेक्स्ट हमारा है कि वो फार्मूला अप्लाई करना हमें, तो वो फार्मूला डिसाइड करता है कि जो आपका क्वेश्चन है उसका जो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जो आपका इक्वल आ रहा है दोनों को मिला के, जैसे x प्लस वाई अगर से मान लेते हैं तो ये सिंगल टर्म है, ये वो डिसाइड करे कि आपने फार्मूला कौन सा लगाना है। तो अब आपको आइडिया आ गया कि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे स्टेप लेना है, ठीक है, समझ आ गया? तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि साइन इनवर्स 8.17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। आपने इसे प्रूव करना है, इसे आपने प्रूव करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमने इस जो दो टर्म दिए इनको लेट कर लेना है। पहले को मैं एक्स लेट कर रहा हूँ, ये पहले टर्म से मैंने क्या ले लिया, और क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, साइन एक्स इज इक्वल टू 8/17। ये साइन इनवर्स यहाँ चला जाएगा, साइन एक्स इसके इक्वल आ गया, तो आपके पास साइन एक्स आ गया। सिमिलरली ये जो सेकेंड टर्म है इसे हम क्या मान लेंगे, वाई, और वो क्या आएगा, साइन इनवर्स 3/5, दिस इम्प्लाइज साइन वाई 3/5। तो हमारे पास दो फंक्शन आ गए, साइन एक्स और साइन वाई। अब हमने कौन से दो फंक्शन और निकालने, कोज एक्स और कोज वाई, ठीक है। सब में आपने ये चार आपके पास फंक्शन आएंगे। तो अब हम यहाँ पे देयरफॉर कॉज एक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो कॉज एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वेयर एक्स का रूट, और यहाँ पे आ गया 1 - साइन स्क्वेयर है, तो साइन एक्स आपने कितना लिया 8/17, ये आ गया 60/289। और आप इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करें तो मैं रख लेता हूँ 15/17 आ जाएगा, सॉल्व करने पर आपने सॉल्व कर लेने से ये आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली हम और क्या फाइंड करना चाहते हैं, कॉस वाई फाइंड करना चाहते हैं। कॉस वाई हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 - साइन स्क्वेयर वाई, और यहाँ पे देखिए 1 - साइन वाई 3/5, उसका स्क्वेयर कर दें 9.25। आप सॉल्व करेंगे ये 4/5 आ जाएगा। तो हमारे पास चार जो फंक्शंस हैं वो आ गए हैं। अब हमने चेक करना है कि हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये टेन इनवर्स 77/36 होना चाहिए। तो यहाँ पे टेन इन्वॉल्व है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, टेन एक्स और टेन वाई। तो मैं यहाँ पे टेन एक्स और टेन वाई निकाल, तो टेन एक्स क्या होता है जी, होता है, तो साइन एक्स कितना हमारे पास 8/17, और कॉज एक्स कितना है 15/17, और हमारे पास कितना आ गया जी, ठीक है। सिमिलरली आप टेन वाई फाइंड कर लें, क्या आ गया जी, साइन वाई कॉस वाई, तो साइन वाई हमारे पास कितना है 3/5, और कॉस वाई कितना है, कॉस वाई, तो मेरे पास आ गया आंसर। तो हमने टेन फाइंड कर लिया। अब हमने कहा था कि ये जो टेन इनवर्स है ये डिसाइड करेगा कि आपने कौन सा फॉर्म लगाना, तब इसमें से कौन सा फॉर्म लगेगा, टेन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे नाउ
टेन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इसका फार्मूला अब आपको आना चाहिए। क्या फार्मूला है? टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन इंटू टेन वाई। आप इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। टेन एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की आपने? 8 अपॉन 10 वाई की वैल्यू कितनी फाइंड की? 3 अपॉन नीचे 1 माइनस 8 अपॉन 15 इंटू 3 अपॉन 4। आप इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ देखिए 8 4 का 32 प्लस 5 15 3 10 45 अपॉन ये देखो 15 4 60 होता है, यहाँ पे 60 माइनस 80 24 और नीचे भी आपका एलसीएम 60 आना था, ऊपर भी एलसीएम 60 आना था, वो मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 77 और नीचे कितना आ गया 36। और अब ये है आपके पास टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 77 अपॉन 30। अब क्या करेंगे आप टेन को उस तरफ ले जाएंगे, तो मैं यहाँ पे इस तरफ लिखता हूँ टेन इनवर्स 77 अपॉन 36 हो गया, और इस तरफ क्या बचा? एक्स प्लस वाई। तो आपने जो एक्स लेट किया था वो लिख लो, आपने एक्स क्या लेट किया था? साइन वर्स 8 अपॉन 17 प्लस आगे क्या बचा? वाई। वाई आपने क्या लेट किया था? और क्या यही आपने रिजल्ट प्रूव करना था? समझ आ गया? अब मुझे बताओ कि अब आपको ये जो बाकी क्वेश्चन है इनमें कोई दिक्कत आएगी? आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपने प्रूफ क्या करना है, वही फार्मूला लगेगा। और आपके पास चार फंक्शंस आएंगे, साइन कॉज एक्स, साइन एक्स कॉज एक्स, साइन वाई कॉज वाई। अगर वहाँ पे टेन है तो आपको टेन निकालना है। अब यही देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कॉज इनवर्स 33 अपॉन 65 है, तो हमें इस सेकंड वाला लगाना पड़ेगा। तो कॉज एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है? 11th में पढ़ा आपने, कॉज एक्स इंटू कॉज वाई फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो उसमें टेन की जरूरत नहीं पड़ी, तो जस्ट आपने फार्मूला वो जो आपने फंक्शन निकाले होने हैं वो आप पुट करें तो वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करें फिर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आपने प्रूव करना है टेन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 7 प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फार्मूला यहाँ पे आपका अप्लाई होगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 2 वाई। दिस इज द फार्मूला विच वी हैव टू अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे चार पार्ट हैं, तो क्या मैं इनको ऐसे पेयर में लिख सकता हूँ? और क्या मैं ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, तो अप्लाई करें। तो मैं फिलहाल ये पाई बाई 4 हटा रहा हूँ, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। चलिए, तो दिस इज टेन इनवर्स एक्स और ये वाई, तो इन दोनों का फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का फार्मूला अप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा? टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 7 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 5 1 अपॉन 7। यहाँ तक ठीक है, प्लस इन दोनों में अप्लाई करें टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन 3 1 अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 8। यहाँ तक क्लियर है जी? कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपने सिंप्लीफाई करना है। तो यह आ गया 7, ये 5 और अपॉन में बेटा आएगा 35, तो मैं 35 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे भी 35 आएगा तो कट जाएगा। यहाँ पे 7 इंटू 5 35 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे भी एलसीएम 8 प्लस 3 और नीचे 24 माइनस 1। नेक्स्ट देखिए, टेन वर्स
ट्वेल्व अपॉन 34 प्लस टेन वर्स 11 अपॉन 23। चलिए नेक्स्ट आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं, टेन इनवर्स 6 अपॉन 17, टेन इनवर्स 11 अपॉन 20। अब आगे कैसे करें, फिर से आप फार्मूला रिपीट कर सकते हो क्योंकि सेम फार्मूला फिर बन जा रहा है आपके पास। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, दिस इज टेन इनवर्स एक्स, दिस इज टेन इनवर्स, तो मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स ब्रैकेट, हाँ जी, 6 अपॉन 17 प्लस 11 अपॉन 23, 1 माइनस 6 अपॉन 17, 11 अपॉन 23, एंड दिस विल बी, हाँ जी, 6 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया 138, प्लस इसे करेंगे तो ये बन गया 189, और नीचे एलसीएम सेम आ जाएगा तो मैंने लिखा नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो ये बन गया 17 51, 391 माइनस 66। नेक्स्ट टेन इनवर्स, तो ये कितने गए 7, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की मैंने ना, 187 आ रहा था, तो 87 कितना गया 5, 832 325, और नीचे भी 325, और ये कितना होता है, तो टेन इनवर्स 1 दैट इज 5/4, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, कोई डाउट है, चलिए नोट करें फिर। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव करना आपने 9π/8 माइनस 9/4 इंटू साइन वर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन वर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड है 9π/8 9.4 साइन वर्स 1/3। अब देखें इन दोनों जो दो टर्म लिखी हमने, इनमें से कुछ कॉमन है, हाँ 9.4 कॉमन है, तो मेरे पास क्या आ गया π/2 माइनस साइन वर्स 1/3। तो हमारे पास एक इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स इज इक्वल टू π/2, और यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, ये इसमें माइनस हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो क्या मैं इसकी जगह पे कोज इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख दूँ 9.4 कोज इनवर्स 1/3 की 2, एक्स एंगल है तो एक्स एंगल ही रहेगा, यहाँ पे एंगल कौन है तो 1/3 ही रहेगा। ठीक है, अब हमने इसे प्रूव करना है इसके इक्वल, 9.4 तो है आपके पास लेकिन यहाँ पे कोज इनवर्स 1/3 है और यहाँ पे है साइन इनवर्स 2√3। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कोज इनवर्स 1/3 को थीटा, और क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अब हमने सिंपली कॉस थीटा से साइन थीटा फाइंड करना है, क्या करना है? हमने कॉस थीटा से साइन थीटा, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, देयर फोर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस के थीटा का रूट लिख सकते हैं, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करें, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, स्क्वेयर करेंगे सॉल्व करें, तो क्या हमारे पास जो साइन थीटा है वो आ गया 2√2/3, और क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3।
ठीक है। तो यहाँ से मैं ये फर्दर ऐसा लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 9/4 और कोज इनवर्स 1/3 किसके बराबर मानना था मैंने, और फिर मैंने थीटा किसके बराबर प्रूव कर दिया, तो मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2√2/3 एंड दिस इज योर, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? चलिए करें नोट फिर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। आपने वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स के, और यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स हम ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करें, कुछ आइडिया है? क्योंकि साइन को अगर इसमें हमने इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या चाहिए, साइन चाहिए, ठीक है। तो क्या टेन इनवर्स को हम किसी साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन जो टेन इनवर्स है वो अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ कहीं, तो वो किसके साथ था, कॉस के साथ था, टेन का किसके साथ है, सीकंड के साथ है ना। तो सीकंड आएगा यहाँ पे, तो साइन के साथ सीकंड इनवर्स फिर नहीं आपका कैंसिल होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ कि टेन इनवर्स एक्स को हम थीटा लेट कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी, टेन थीटा। और क्या मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि तो मुझे साइन यहाँ पे मुझे ये जो टेन इनवर्स एक्स है यहाँ पे मुझे यहाँ तो साइन चाहिए, साइन इनवर्स एक्स चाहिए, ठीक है, वो मेरे पास है नहीं। तो मैंने क्या किया कि टेन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा पुट कर लिया और यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू क्या कर ली, टेन थीटा। क्या मैं यहाँ से ये मेरा क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, हम ऐसे लिखें साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर आ गया। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं साइन थीटा फाइंड करना चाहता हूँ। तो मुझे गिवन है कि एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, क्या मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? yes, कैसे? देखो कुछ क्वेश्चन जो है वो डायग्राम से भी ज़्यादा निकल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो टैन थीटा क्या होता है, अगर दिस इज योर थीटा तो टैन थीटा क्या होगा, क्या मैं इसे एक्स अपॉन वन लिख सकता हूँ? टैन थीटा क्या होता है, तो इसका मतलब पी यहाँ पे कितना और बेस कितना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा, आ सकता है। और देखो तुम लगा के अगर ये एक्स है ये वन है, ये कहाँ से लिया, ये टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन वन है, तो पी अपॉन बी रेशियो ले ली मैंने, ये एक्स है ये वन है, ये कितना बन गया। तो यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू लेना चाहता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे पी कौन है, एच कौन है, तो मेरे पास आंसर आ गया एक्स पॉइंट वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो क्या कोई ऑप्शन है? तो दिस योर आंसर। तो आपको ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन जो है आ सकता है, ठीक है। तो चलो इसी क्वेश्चन के साथ ये जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस और चैप्टर नंबर 2 आपका फिनिश हुआ। जो भी क्वेश्चन इसमें बच गए हैं या आपको कोई डाउट आ रहा है, तो जो लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे वो सारे मैंने लिंक दिया, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो कल हमारा अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक नहीं कर रहा, कल हमने टेस्ट करना है।
तो कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट भी लूँगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी आपका टेस्ट होगा, ठीक है।